दिल्ली आबकारी नीति मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह राज्यसभा के नामांकन दाखिल करने के लिए जेल से बाहर आए हैं। उन्होंने सिविल लाइंस में एक पुलिस वैन में पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। संजय सिंह के अलावा आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती मालीवाल ने भी राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। 19 जनवरी को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने 3 लोगों को अपना प्रत्याशी घोषित किया है, जिसमें संजय सिंह और एनडी गुप्ता को भी फिर से मौका मिला है। इससे पहले संजय सिंह को दिल्ली की अदालत से राज्यसभा का नामांकन व्यक्तिगत रूप से करने की इजाजत मिल गई थी। शुक्रवार को कोर्ट ने जेल अधीक्षक को चुनाव के संबंध में अंडरटेकिंग, नॉमिनेशन फॉर्म और अन्य जरूरी दस्तावेज पर सिग्नेचर की अनुमति का निर्देश दिया था। दिल्ली में कथित शराब घोटाला के मामले में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह पिछले 3 महीनों से तिहाड़ जेल में बंद है। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। ईडी ने आरोप लगाया था कि संजय सिंह ने उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और इसके कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इससे शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को धन का लाभ हुआ। 22 दिसंबर को ट्रायल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका ये कहते हुए खारिज कर दी थी कि पहली नजर में उनके खिलाफ मामला वास्तविक लगता है और जो सबूत पेश किए गए हैं वो कथित रूप से क्राइम में उनकी भागीदारी को दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज।